और कुल्लियात नफीसी जो तर्जुमा किया कबीरुद्दीन हकीम ने, उसमें इलाज के ये तीन तरीके लिखे हैं, इलाज बिल तदबीर व तगज़िया, इलाज बिल दवा एंड इलाज बिल यद। ये मेरी बात नहीं है, वी हैव टू सेट एन आइडल, हमको किसी ना किसी का बुनियाद बनाना पड़ेगा। और आज अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैनन ऑफ मेडिसिन और कुल्लियात कानून और इब्ने सीना हैज़ दैट क्रेडिट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द टिप वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग इट इन टूडेज सिनारियो, सो इफ वी फाउंड अ बेस ऑफ इब्ने सीना, ही हैज़ रोट दिस आर द थ्री मैथड ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तदबीर एंड तगज़िया ये क्यों एक साथ है, इसकी मैं आगे आपको तफसील देता हूँ। दूसरा इलाज बिल दवा एंड तीसरा इलाज बिल यद। नाउ ज़ाविये इलाज दैट इज अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, सो वो हमारे पास दो हैं, इलाज बिल जिद और इलाज बिल मिसल। फिरदौसुल हिकमत में रब्बन तबरी, कुल्लियात कानून में इब्ने सीना और हकीम कबीरुद्दीन कुल्लियात नफीसी में इलाज बिल जिद को हाईली रिकमांड करते हैं, इलाज बिल मिसल की रिवायात बहुत कम मिलती हैं। जिद अपोजिट तरीके से और एंटी थेरेपी, जिसको हम कहेंगे एंटी डिजीज थेरेपी और व्हाट यू कॉल हेटेरोपैथी, एंड इलाज बिल मिसल प्रो डिजीज थेरेपी और होम्योपैथी जिसको आज नाम दिया जाता है। इलाज बिल मिसल जो मॉडर्न में भी जैसे प्रोबायोटिक आज अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स का जो बेस है वो पूरा के पूरा इलाज बिल मिसल है कि आप जरासीम को ख़त्म करने के लिए जरासीम को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी में, सो दिस इज़ इलाज बिल मिसल। बट इन यूनानी मेडिसिन वी हैव टू फॉलो इलाज बिल जिद। 99% आपको जो है जो भी रिवायत मिलेगी, जो भी टेक्स्ट मिलेंगे, दैट इज़ ऑन इलाज बिल मिसल। सो उसूल इलाज आर थ्री, तदबीर व तगज़िया, दवा एंड यद, एंड अप्रोच टू इलाज बिल जिद एंड इलाज बिल मिसल। नेक्स्ट प्लीज। नाउ इलाज बिल तदबीर और रेजिमेनल थेरेपी, इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन। अब मैं आया हूँ इलाज बिल तदबीर पर। इलाज बिल तदबीर कैसे आया है, अभी आपको मैंने बताया कि वो असबाब जो सेहत को कायम करेंगे, तो सेहत को कायम करने वाले चार असबाब, मादिया, फाइल सौरिया, फाइलिया और तमामिया। फाइलिया को आप ध्यान में रखिए, असबाब सित्ता ज़रूरिया को। इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन इन सित्ता ज़रूरिया इज़ नोन एज इलाज बिल तदबीर, इट्स पॉसिबल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इज रेजिमेनल थेरेपी। इन्फ्लेक्शन और मॉड्यूलेशन, हेर फेर करना, तसर्रुफ करना, आगे पीछे करना, किसको? असबाब सित्ता ज़रूरिया को। सित्ता ज़रूरिया को वो जो असबाब फाइलियाँ हैं जो सेहत को कायम करेंगे, तो ये वो उसके अंदर हेर फेर करना। तो इलाज बिल तदबीर का कहीं ना कहीं कनेक्शन सित्ता ज़रूरिया से है, और सित्ता ज़रूरिया को एक बेस माना जाता है सेहत के कायम करने का, इसीलिए इलाज बिल तदबीर इफ़ान सेहत में पढ़ाया जाता है आपके एकेडमिक में। ठीक है, आज डिपार्टमेंट पैटर्न जो है 14 पैटर्न हो गया है, उस लिहाज से जो है उसका सेपरेट डिपार्टमेंट बना है, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के तहत दलक, हम्माम, रियाजत, ये आपको जो हिफ्ज़ान सेहत के सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, इस बुनियाद पर, क्योंकि सित्ता ज़रूरिया में तसर्रुफ, आगे पीछे करना, उसको कहते हैं इलाज बिल तदबीर। हवा, भाई पहले ज़माने में कॉक्स हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, कहाँ कहते थे? सैनिटोरियम में भेज दो, हाई अल्टीट्यूड पे, जहाँ पर हवा प्योर होगी। क्या किया आपने? हवा के अंदर तसर्रुफ पैदा कर दिया, उसको प्योर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। लूज मोशन हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं घर में? भाई आप काली चाय पी लो, उसमें लीमू डाल लो, आप दही खा लो। क्या किया आपने? माकूल मशरूब में आगे पीछे किया, उसकी डाइट बदल दी। दिस इज इलाज बिल तदबीर। तो इस वजह से जो तदबीर और तगज़िया को हमने एक साथ रखा है, चूँकि सित्ता ज़रूरिया में हवा, माकूल व मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, नौम व यक्ज़ा, इस्तफराग व एहतबास, ये छः चीज़ें हैं, और सित्ता ज़रूरिया का तसर्रुफ जो है वो तदबीर कहलाता है। तो इस वजह से तदबीर और तगज़िया का जो इनकॉर्पोरेशन है वो साथ में है, इसलिए अतिब्बा ने जो बुनियाद बनाई इलाज के तीन तरीके, उसमें तदबीर और तगज़िया को जो है साथ में रखा है। नाउ सित्ता ज़रूरिया, ये छः फैक्टर्स जो हैं। नेक्स्ट प्लीज। साइलेंट फीचर, इलाज बिल तदबीर से जो बेसिक जो फ़ायदे होंगे वो क्या हैं? तादील मिजाज, मिजाज के अंदर अदल कायम होगा। हार है, आप उसको बारिद कर सकते हैं, मोतदिल लेवल पर बारिद हो गया है, आप उसको हार लाज हरारत पर ला सकते हैं, तो ये क्या होगा? मिजाज के अंदर अदल कायम होगा, एक मेयार कायम होगा, उसको हम कहते हैं तादील मिजाज। एंड देन तनकिया, वॉट एवर फ्लूइड मॉर्बिड
matter, noxious substance which are being accumulated in the body are carried out to the elimination. There are so many processes in the ilaj bit tadbir depend on individual's wisdom. Yunani medicine basically suggests principles, and it is up to that individual physician ke you use your wisdom which method of elimination you want to induce to the patient. And as per the nature of the disease, as per the available circumstances. So, this is what the tanqiya is. आपके पास इदरार भी, आपके पास तारीख भी, आपके पास हिजामा भी, तो आप कौन सा method choose करना चाहते हैं, it is depend on, this is what the tanqiya is. Then, it gives you different choice of treatment. You know, there are ample, there are 50 regimes I have gone through. इनके बाद बुखूर, सऊत, पाशोया, there are more than 54 regimes are there. So, आप अपने एतबार से इतना different choice आपके पास है, आप उसको use कर सकते हैं. Then, safe, efficacious and based on Yunani scientific doctrine. Safe है, side effect के chances, इम्कानात बहुत कम से कम है. Efficacious, it is highly effective. लास्ट टाइम कि मैं इसी प्रोग्राम की एक सीडी देख रहा था वेयर यासर अरफात है पुट वो एक हाथ किसी के ऊपर नहीं जा रहे थे तो एंड आई हैव सीन द लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन सो इट इज सो एफिकेशियस वेयर पेशेंट कम ऑन स्ट्रेचर लो बैक पेन शियाटिका वी पुट कप्स वी पुट लीचिंग एंड वी पुट मसाज एंड पेशेंट गो बाय हिमसेल्फ वॉकिंग सो दिस इज द लेवल ऑफ एफिकेसी देन इन्हांस द एक्शन ऑफ सिस्टमिक ड्रग इफ अप्लाइड पैरेलल टू मेडिकल ट्रीटमेंट It enhances the whatever the drug we are consuming systemically, it enhances its action. Okay, so we can have parallel with the medical treatment also. Then different regime can be practiced prophylactically. Riyazat hai, aap hifz-e-ma taqaddum ke taur pe istemal karte rahe. Istifrag hai, hijama hai, idrar hai. Bahut sare procedures aise hain jo aap sehat ki baka ke liye prophylactically hifz-e-ma taqaddum ke taur par bhi istemal कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट प्लीज यूनानी पैथोलॉजी नाउ वी हैव मैंने क्या कहा सेफ एफिकेशियस बेस्ड ऑन यूनानी डॉक्ट्राइन सो व्हाट इज द यूनानी पैथोलॉजी अगर आप ये पार्ट को छोड़ दें सिर्फ उतना देखें सो बेसिक कोई भी डिजीज हो आप उसको जो है ये तीन पैरामीटर पर परखें करप्शन करप्शन क्या कहते हैं फसाद फसाद हजम फसाद तखयुल फसाद जिगर तो एक जो करप्शन का लफ्ज़ है वो कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है जिसको हम कहते हैं फसाद वो फसाद फंक्शनल हो सकता है अफाल के अंदर वो फसाद स्ट्रक्चरल हो सकता है साख्तों के अंदर वो फसाद क्वालिटेटिव हो सकता है कैफियत के अंदर ये तीनों चीज़ बयक वक्त मौजूद हो सकती है इनफरादी तौर पर मौजूद हो सकती है दर्जात में मौजूद हो सकती है कि सबसे पहले मिजाज ख़राब हुआ उसके बाद साख्त ख़राब हुई उसके बाद स्ट्रक्चर ख़राब हुआ उसके बाद फंक्शन ख़राब हुए इंडिविजुअल भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है देन रिप्लेशन एक्सेस इम्तेला प्लियोथरा हाइपरीमिया कंजेशन जिसको हम कहते हैं जितनी भी बीमारियाँ हैं हाइपर ग्लाइसीमिया हाइपर थायरीमिया हाइपर एसिडिटी हाइप आप हाइपर के जितने लफ्ज़ हैं आप उसको पिरोते जाओ सब के सब इम्तिला है तीसरी चीज़ है डेप्लिशन और डेफिशिएंसी या कमी जितने हाइपो के लफ्ज़ हैं हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो एसिडिटी हाइपोथायरेटॉक्सिकोसिस हाइपोलिपिडीमिया जितने भी हाइपो के लफ्ज़ हैं आप इसके अंदर पिरोते जाइए मैंने कहा यूनानी आपको प्रिंसिपल्स बतलाती है ये एक जनरल प्रिंसिपल है इसका एप्लीकेशन इसका इतलाक आप अपने मतलब में हर एतबार से अपने कन्वीनियंसी के एतबार से कर सकते हैं सो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताया है इसी को मजमूई तौर पर हम कहते हैं सोए मिजाज सोए तरकीब या तफरुक इत्तेसाल सोए मिजाज सोए तरकीब या तफरुक इत्तेसाल ये इतनी चीज़ें हैं या तो फसाद होगा या तो कमी होगी या तो ज़्यादती होगी इन चीज़ों को अगर मजमूई तौर पर हम परखें तो इधर इट विल बी अ सोए मिजाज और इट विल बी अ सोए तरकीब और इट विल बी तफरुक इत्तेसाल
तो यूनानी पैथोलॉजी को आप इस कूजे में अगर परखें और इस पैरामीटर से देखें तो आपकी जो डिजीज डायग्नोस का जो अप्रोच है वो बहुत हद तक इजी होगा, बहुत हद तक इजी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा इजी होगा, बट इट विल गिव यू एन आइडिया, बेसिक एक आपको लेवल देगा डायग्नोस का। देन नेक्स्ट प्लीज। अब अगर सुए मिजाज है इलाज, तो वहाँ पर आप इलाज भी तदबीर को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, सिर्फ सुए मिजाज। सो इफ सुए मिजाज सादा, चांसेस ऑफ मेडिसिन रिक्वायरमेंट विल बी लेस। तदबीर कैन एक्ट एज होल इलाज, तबरीद, तस्खीन, तरतीब, तजफीफ। सिर्फ अगर सोए मिजाज सादा है तो आपको दवा की इंशाल्लाह वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तदबीर से आप काम ले सकते हैं। तबरीद करें, बुरूदत पैदा करें, तस्खीन हरारत पैदा करें, तजफीफ यबूसत पैदा करें, तरतीब रतूबत पैदा करें। तो ये ऐसी तदाबीर हैं हमारे पास अवेलेबल कि हम सारी कैफियत इसके अंदर जो है हासिल कर सकते हैं। देन सोए मिजाज मुरक्कब सादा, अगर मुरक्कब वहाँ पर दो कैफियत है तो आइदर कैफियत शुड बी डील्ड विद आइदर रेजिम। दिस इज जनरल गाइडेंस, आइडियली हमको ऐसे करना चाहिए। इन सोए मिजाज मुरक्कब सादा आइदर कैफियत शुड बी ट्रीटेड विद आइदर थिंग, दैट इज वन विद तदबीर एंड अनदर विद मेडिसिन। तो अगर हम एक तदबीर से करते हैं, दूसरे के लिए मेडिसिन देते हैं, तो द चांसेस के भाई हम डिजीज पीरियड को जो है, जो पेन का जो पीरियड है, हमको उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरल गाइडेंस। एंड द लास्ट इज सोए मिजाज मादी, द मेडिसिन विल फोकस द डिजीज एंड तदबीर विल इन्हांस द मेडिसिन एक्शन। सो ये अगर हम जनरल गाइडेंस ध्यान में रखते हैं सोए मिजाज कंडीशन में, सो इफ इट इज सोए मिजाज सादा, इफ इट इज सोए मिजाज मुरक्कब सादा और सोए मिजाज मादी, सो दीज आर द जनरल गाइडेंस वेयर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट रेजिम, वेयर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट मेडिसिन, और इन आइदर सिचुएशन आइदर थिंग शुड बी डील विद आइदर रेजिम और मेडिसिन। नेक्स्ट प्लीज। सोए तरकीब एंड इलाज भी तदबीर, मैंने कहा पैथोलॉजी को हमने करप्शन, कमी, एक्सेस, ठीक है, ये सोए मिजाज होगा, सोए तरकीब होगा, तफरुक इत्तेसाल होगा। तो सोए तरकीब और इलाज भी तदबीर में है, तो यहाँ पर हमारे पास जनरल गाइडेंस क्या है इन एक्सेस सिचुएशन। अब तरकीब जो है वो एक्सेस भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। सो इन एक्सेस सिचुएशन तदबीर विल बी मेन कोर्स, ड्रग विल एड द सिचुएशन। हाउ? फॉर एग्जाम्पल सामान्य मुफरत ओबेसिटी, आप क्या करेंगे, तदबीर से ऐड करेंगे सिचुएशन को। तदबीर विल बी मेन कोर्स, ड्रग विल ऐड द सिचुएशन। आप रियाजत दे रहे हैं, आप दलक कर रहे हैं, तो वो दलक या रियाजत नुज के तौर पे काम कर सकती है, इदरार के लिए या तारीख के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर एक्सेस सिचुएशन है और अगर कमी है इन डिप्लेशन, ड्रग विल बी मेन कोर्स, तदबीर विल एड द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन, अगर कमी है तो आप गिजा दवाई गिजाई दवाई का जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको दे रहे हैं एक्चुअल गिजा, और हम्मा में रतब इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बदन के अंदर रतूबत जमा होगी, दलक लयन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बदन के अंदर जो रतूबत जो है थोड़ी जमा होगी। बच्चों को की जाने वाली मालिश या प्यूपेरियल पीरियड में की जाने वाली दलक लयन किस्म की होती है, तो इसका मकसद क्या होता है कि इसके अंदर जिस्म के अंदर जो है रतूबत जो है जमा हो जिससे बदन के अंदर कुछ ना कुछ कुवत आए। सो दीज आर द जनरल कंपाउंड सिचुएशन। कहीं पर आपको देखो जोफ कुवत मासिका अगर है, कुवत मासिका के अंदर अगर जोफ है तो डेफिनेटली दाफिया बड़ी होगी। ओके अगर दाफिया बड़ी है तो जैसे नक्सीर है, ब्लीडिंग पाइल्स है, यहाँ पर दाफिया बड़ी है, मासे का जो है वहाँ पर कमज़ोर, तो आपको क्या करना है, तदबीर एंड मेडिसिन विल साइमल्टेनियसली आपको देना है। एक्यूट सिचुएशन है यहाँ पर। सो कंपाउंड सिचुएशन जब भी होगी सोए तरकीब की, तो वहाँ पर अगर दो सिचुएशन आ जाती है तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड एक्यूटली बिकॉज नेचर वहाँ पर एक्यूट होगा। सो दिस इज वॉट आई हैव गॉट इन लास्ट 10 ईयर। अगर इस प्रिंसिपल पर अल्हम्दुलिल्लाह इन अवर रेजिमिनल थेरेपी इन यूनानी मेडिकल कॉलेज पूना वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन दिस प्रिंसिपल, अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव मी फ्रेंड्स वी आर अप टू द मार्क। सो एज वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्टेड सर खलीफतुल्ला सर येस्टरडे कि वी हैव टू ब्रॉड सम एसओपीज, स्टैंडिंग ऑर्डर
जो हमारे पास एक प्रैक्टिस का जो एक बेसिक मॉड्यूल होना चाहिए, एंड यूनानी क्लासिकल लिटरेचर इज लैकिंग ऑन दैट बिकॉज दे बिलीव दैट इट इज अप टू द पर्सनल पर्सन विजडम कि आपको जो इस्तेमाल करना है. बट वी आर लिविंग नाउ इन अ रिसर्च ओरिएंटेड एरा. वी नॉट ओनली हैव टू प्रैक्टिस इट, वी हैव टू शो पीपल दैट दिस इज इफेक्टिंग, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज हाउ इट इज इफेक्टिंग. So for these guidelines, we have brought with these things that we have to incorporate in our SOPs. Okay, these are the base, these are the guidelines. You do it, you will find result. Next, please. Then tafaruk-e-ittisal. Tafaruk-e-ittisal, third situation which we have discussed in Unani Pathology. Then tafaruk-e-ittisal, tadbir will act in rehabilitation as post-procedure management. Hum yahan par ilaj bhi tadbir. तफरुक इत्तिसाल है, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, वेरियस सर्जिकल थिंग्स वेयर वी शुड नॉट सी दैट के भाई हम वहाँ पर एक्यूट लेवल पर जो है इलाज भी तदबीर दे सकें पेशेंट को, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सर्जरी हो जाने दो, उसका एक्यूट फेज चले जाने दो, रिहैबिलिटेशन के अंदर हम इलाज भी तदबीर, दलक, हमाम, हिजामा, तारीख, इदरार, इतने प्रोसीजर और इतना सिग्निफिकेंट है. पैरालिसिस रिहैबिलिटेशन, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, स्पाइन सर्जरीज रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट नाउ इन द पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन. सो वाई कैन नॉट वी रिप्लेस अ यूनानी फिजियोथेरेपिस्ट? वी कैन. ओके, सो यू नो दीज आर द बेसिक गाइडलाइन वेयर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट अंडर दीज गाइडियंस. नेक्स्ट प्लीज. नाउ चूजिंग तदबीर पैथोलॉजी वाइज, पैथोलॉजी कैसी है उसके अतबार से हम तदबीर कौन सी चूज करेंगे. नाउ ऑल द कंडीशन विथ इब्तिला, रिप्लेशन और एक्सेस हैज टू बी डील विथ इस्तफराग. इलाज बिजिद इम्तिला है, जिसम के अंदर इम्तिला हो चुका है, हमको क्या करना है वहाँ पर इस्तफराग करना है. सो हाउ इस्तफराग, इस्तफराग के दम, इस्तफराग है हमाम मौर्रिक, रियाजत कविया, शदीदा, दलक कवी, ये सब के सब तरीके जो हैं इस्तफराग के हैं. अब क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल फसद और हिजामा इन हाइपर टेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एट्सेट्रा, हम्मा में मौर्रिक फॉर हाइपरपाइरेक्सिया. तो अगर बुखार है आप हम्मा में मौर्रिक, उसको पसीना लाना है, तबरीद का आप उसको अपोजिट दे सकते हैं उसको.